हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लैनेट। कहानी के स्टार्ट होते ही हम कुछ अमीर औरतों को एक लड़की के बारे में भला बुरा बात करते हुए सुनते हैं। उस लड़की का नाम अरलीन होता है। एक्चुअल में अरलीन का अफेयर इस टेबल पर बैठी हर लड़की के हस्बैंड के साथ था। आज भी अरलीन को मिलने के लिए एक आदमी आ रहा था। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद वो आदमी नहीं आता है, लेकिन अरलीन के पास कैफ़े का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते। बेटर उसके पास आता है और उसे ये सारी बात समझ में आ जाती है। फिर वो उससे कोई भी पैसा नहीं मांगता। जब वो बाहर जा रही थी तब कोई दूसरा बेटर उसके लिए बिल लेकर आता है। उसके पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी, इसलिए अपनी ज्वेलरी वगैरह सेल करके उसे ये सिटी छोड़ना पड़ती है। इसके बाद वो शिप में इटली पहुँच जाती है। फिर एक मैगजीन में उसे बहुत ही अमीर आदमी के बारे में पता चलता है, लेकिन वो मैरिड था। पर अरलीन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले दिन हम उस अमीर आदमी रॉबर्ट और उसकी वाइफ मेग को देखते हैं। वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन रॉबर्ट थोड़ा बिजी हो जाता है तो मेग को पहचानने वाली लेडी एक शॉप में उसे लेकर जाती है। यहाँ पर एक डार्लिन नाम का आदमी मेग को फर्स्ट टाइम देखता है। उसे देखकर उसका खड़ा होने लगता है और वो तुरंत आकर मेग से फ्लर्ट करने लगता है। वो वहाँ आकर कहता है, मैं अपनी सिस्टर के लिए ग्लव्स लेना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर के हाथ भी आपके हाथ की तरह हैं, क्या मैं आपको इन्हें पहनाकर देख सकता हूँ? कुछ टाइम के बाद मेग का हस्बैंड भी आ जाता है। रॉबर्ट आकर कहता है, अब इसके साथ भी फ्लर्ट करना स्टार्ट मत कर दो। एक्चुअल में डार्लिन हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। वो मिडिल एज था, लेकिन अब भी उसकी शादी नहीं हुई थी। डार्लिन का मानना था वो अभी भी एक सच्चे प्यार को ढूंढ रहा है। रॉबर्ट और मेग जल्दी ही इस सिटी में आए थे तो वो अलग अलग प्लेसेस पर घूम रहे थे। उन्हें एक पैलेस पसंद आता है, रॉबर्ट उसे बाय कर लेता है। ये सब देख कर मेग बहुत ही खुश थी। डार्लिन और रॉबर्ट अपने बिजनेस में एक साथ काम करने लगते हैं, इस वजह से ये लोग फ्रेंड बन गए थे। ये इस टाइप की सिटी थी जहाँ पर हर एक बंदा दूसरे बंदे को लेकर गॉसिप करता है। सारे अमीर लोग एक दूसरे को जानते थे। एक दिन पार्टी में मेग को अकेला देखकर डार्लिन उसके पास आ जाता है। वो उसके लिए ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन मेग उसे मना कर देती है। वो कहती है, मेरी फैमिली में कोई भी बंदा ड्रिंक नहीं करता। फिर वो उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। वो जब बहुत ही छोटी थी उसकी मदर की डेथ हो गई थी और बाद में उसके फादर भी गुजर गए, तो उसकी सिस्टर ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। फिर वो अपनी मदर की एक बहुत ही पुरानी फ़ोटो जो लॉकेट में थी उसे दिखाती है। वो इतनी पुरानी थी, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। डार्लिन कहता है, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, मुझे लगा ही था तुम्हारी मदर भी इतनी ब्यूटीफुल होगी। इस तरीके का डार्लिन का फ्लर्ट करना मेक को अच्छा नहीं लगता। डार्लिन कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों से मेरा कोई भी गलत मतलब नहीं है। मेक का बर्थडे पास आ रहा था तो एक ज्वेलरी शॉप में रॉबर्ट उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए आया था। वहाँ पर अरलीन भी होती है। वो रॉबर्ट से कहती है, वाइफ के लिए कभी भी ज्वेलरी बाय मत करना, उसे लगेगा शायद तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और तुम दूसरी लड़की को भी ज्वेलरी गिफ्ट करते हो, तुम्हें उसे कुछ स्पेशल देना चाहिए। अरलीन को एक हैंड फैन बहुत ही अच्छा लगा था तो वो उसे ये सजेस्ट करती है। शॉपकीपर उसे कहता है, मैं इसे सेल नहीं करना चाहता, लेकिन रॉबर्ट को ये इतना ज्यादा पसंद आया कि वो उसे ज्यादा पैसे देकर वाय कर लेता है। घर जाते हुए रॉबर्ट ने अरलीन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। ये सारी चीजें उनके फ्रेंड्स देख रहे थे। फिर ये लोग गॉसिप करने लगते हैं और उन्हें लगता है शायद रॉबर्ट और अरलीन का अफेयर चल रहा है। इन सारी चीजों में डार्लिन भी शामिल था। इसके बाद हम देखते हैं अपने बर्थडे के गिफ्ट को लेकर मेग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। एक दिन शॉपिंग करते हुए मेग की मुलाकात अरलीन से हो जाती है। अरलीन एक ड्रेस ट्राई करती है और वो उसे पूछती है, ये तुम्हें कैसा लग रहा है? मेग कहती है, ये ड्रेस थोड़ी छोटी है। अरलीन कहती है, आदमियों को ये सब ही ज्यादा पसंद आता है। मेग कहती है, मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ, उसे ये सब पसंद नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट की फ्रेंड्स उन पर नजर रखने लग गई थी। आजकल रॉबर्ट सबसे छुपकर अरलीन के घर पर जाने लग गया था। फिर उसके पीठ पीछे उसके सारे फ्रेंड गॉसिप करते थे। एक दिन मेग और रॉबर्ट को लंच पर ले जाने के लिए डार्लिन पहुंच जाता है। फिर अचानक से रॉबर्ट को अरलीन का कॉल आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें इस तरीके से घर पर कॉल नहीं करना चाहिए। अरलीन उसे अभी के अभी मिलना चाहती थी। फिर रॉबर्ट को लंच का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। वो डार्लिन और मेग से कहता है, तुम दोनों चले जाओ। फिर डार्लिन आसपास घूमते हुए रॉबर्ट के कुछ चेक्स देखता है जिसमें अरलीन को काफ़ी सारे पैसे दिए हुए थे। इन चेक्स की वजह से उनका अफेयर कंफर्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस सिटी का एक और आदमी जो काफ़ी अमीर था, जिसका नाम टप्पी था। उस आदमी के साथ भी अरलीन का मिलना जुलना काफ़ी बढ़ गया था। फिर उसके फ्रेंड बात करते हैं, शायद रॉबर्ट और अरलीन का अफेयर चल रहा है। ये बात टप्पी को पता चल जाती है। टप्पी कहता है, रॉबर्ट सिर्फ उसके इन्वेस्टमेंट देख रहा है, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लंच के लिए डार्लिन मेक को सी के पास लेकर आता है। मेक कहती है, हम दोनों तो रेस्टोरेंट जाने वाले थे। डार्लिन कहता है, इतनी अच्छी खुली हवा है,
इतना अच्छा लंच तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। रॉबर्ट अर्लीन के पास पहुंचता है, फिर अर्लीन के सर्वेंट भी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें भी उनके अफेयर के बारे में पता था। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट कहता है मेक लंच के लिए गई हुई है, अगर मैं लेट हो गया तो उसे शक हो जाएगा। वो अर्लीन को कुछ पैसे देकर जाता है। अर्लीन कहती है तुम दोनों मिले कैसे थे, क्या तुम उससे प्यार करते हो? रॉबर्ट कहता है हाँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद अगले सीन में मेक डार्लिन से कहती है रॉबर्ट के ऑफिस में चलो, वहाँ से हम उसे भी पिक कर लेंगे। ऑफिस में जाने के बाद मेक को पता चलता है रॉबर्ट अपने ऑफिस में आया ही नहीं था। घर आकर मेक रॉबर्ट से कहती है तुम अपने ऑफिस में नहीं थे। रॉबर्ट कहता है मेरे जाने के बाद तुम आई होगी। इस तरीके से उसका झूठ पकड़ने के बाद मेक को थोड़ा बुरा लगता है। अगले सीन में सब लोग ओपेरा देखने के लिए गए हुए थे। अर्लीन और टप्पी को एक साथ बात करता हुआ देखकर सब लोग गॉसिप करने लगते हैं, ये किस तरीके की औरत है, ये सब लोग इस टाइप की बात कर रहे थे। इनकी बातें सुनकर मेक भी इनकी बातें सुनने लगती है। एक लेडी कहती है रॉबर्ट उसे जानता है, लेकिन रॉबर्ट इस बात से डिनाई करता है और वो कहता है मैं सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट देखता हूँ। इस तरीके से लोगों का देखना अर्लीन को अच्छा नहीं लगता, अब उसे मेक भी देख रही थी तो ये बात उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराती है। वो टप्पी से कहती है हम दोनों को कहीं और जाना चाहिए। टप्पी इस बात को मान जाता है। टप्पी को उसके पास्ट के बारे में पता था कि वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो जैसी भी है वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था। टप्पी की भी 2-3 एक्स वाइफ रह चुकी थीं। अर्लीन फिर उसे अपने घर पर लेकर आई। इसके बाद हम देखते हैं घर आकर मेक रॉबर्ट से कहती है तुम्हें अर्लीन की हेल्प नहीं करनी चाहिए, हम सबको पता है वो किस तरीके से पैसे कमाती है। रॉबर्ट कहता है मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रहा हूँ। मेक का मूड अच्छा करने के लिए वो उसका बर्थडे गिफ्ट उसे पहले ही दे देता है। मेक को ये बहुत पसंद आता है। अर्लीन टप्पी को अपने घर पर लेकर आई थी, उसे लगता है ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाते हैं। तब वो कहता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। अर्लीन कहती है मेरी कोई भी शादी टिकी नहीं है। धीरे धीरे प्यार कम हो जाता है और फिर तुम अपनी जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हो। टप्पी कहता है शायद तुम राइट पर्सन से कभी मिली ही नहीं, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है। अर्लीन कहती है शायद सारी गलती मेरी ही थी। टप्पी उसके पास आ जाता है और वो उसे किस करने वाला था। अर्लीन उसे रोक लेती है और कहती है मुझे सिगरेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती। टप्पी उसी टाइम हमेशा के लिए सिगरेट पीना छोड़ देता है। फिर जाते हुए टप्पी अर्लीन से कहकर जाता है मैं बहुत ही अमीर हूँ और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। अगले दिन मेक की बर्थडे पार्टी थी और डार्लिन उसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आया था। मेक कहती है मैं तुमसे ये नहीं ले सकती, वरना लोगों को लगेगा हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। डार्लिन कहता है मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूँगा। पार्टी में रॉबर्ट का एक एम्प्लॉय भी आया हुआ था जिसकी पेमेंट बाकी थी। मेग उसकी पेमेंट करने के लिए रॉबर्ट के ऑफिस में चली गई और उसके लिए एक चेक बनाने लगती है। तभी उसे पता चलता है रॉबर्ट ने अर्लीन के बहुत सारे चेक काटे हुए हैं। फिर उसे भी लगने लगता है रॉबर्ट और अर्लीन के बीच अफेयर चल रहा है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इस बात को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करती है। उसकी फ्रेंड कहती है अर्लीन इसी टाइप की है, वो हर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। मेक को अच्छा फील कराने के लिए वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाती है। दूसरी तरफ आज रॉबर्ट टप्पी के साथ गेम खेल रहा था। टप्पी कहता है अर्लीन और मैं एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं, तुम्हारी उसके साथ जो भी रिलेशनशिप है पर उसे पाने के लिए तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा। रॉबर्ट को ये बात बहुत ही अजीब लगी क्योंकि लोग उसके और अर्लीन के रिलेशनशिप को इस तरीके से जज कर रहे हैं। इस बात को लेकर वो अर्लीन से बात करता है और उससे कहता है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अभी के अभी इस सिटी को छोड़कर जाना पड़ेगा। अर्लीन कहती है मुझे मेक से बात करनी है, मैं उसकी मदर हूँ और मैं उसे छोड़कर क्यों चली गई थी, ये सारी चीज़ें मुझे उसे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। रॉबर्ट कहता है इन सारी चीज़ों की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बहुत ही खुश है और उसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस इसी बात को लेकर वो रॉबर्ट को ब्लैकमेल कर रही थी, इसी वजह से रॉबर्ट ने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे। एक्चुअल में उन दोनों के बीच में कोई भी अफेयर नहीं चल रहा था। एक आदमी जिसका नाम सैंडी था वो ये सारी बातें सुन लेता है, वो उसे घूर रहा था तो अर्लीन उसके पास आ गई। वो उससे पूछता है क्या तुम मेक की मदर हो? अर्लीन कहती है तुमने सपना देखा, फिर से सो जाओ। बाहर पार्टी चल रही थी लेकिन अंदर मेक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मेक को लग रहा था रॉबर्ट और अर्लीन का अफेयर चल रहा है। उसने गुस्से में जिस तरीके की ड्रेस अर्लीन की थी उसी तरीके की ड्रेस बाय कर ली थी जिसे पहनकर वो सबके सामने आ जाती है। रॉबर्ट उसे लेकर जा रहा था लेकिन मेक कहती है मुझे तुम्हारे और अर्लीन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, आज तुम मुझसे कुछ भी बोलने की ज़रूरत मत करना। पार्टी में बात करते हुए सैंडी ने लोगों से कहा अर्लीन और मेक मुझे एक जैसी ही लगती हैं लेकिन उसे कोई सीरियसली नहीं लेता।
पार्टी में अर्लिन और मेग ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए डार्लिन को लगता है वो मेग है और वो अर्लिन के पास पहुंच जाता है। वो उसे कहता है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, और अचानक से वो अर्लिन को देखकर सरप्राइज था। फिर वो अर्लिन से कहता है, टप्पी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तुम्हें रॉबर्ट के साथ अफेयर कंटिन्यू रखना चाहिए। मेग रॉबर्ट को छोड़ने से डरती है, अगर वो तुमसे शादी कर लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्टी में टप्पी के फ्रेंड उसे समझा रहे थे कि तुम्हें अर्लिन के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रखनी चाहिए। टप्पी कहता है, अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ और मुझे दूसरी कोई नहीं मिलने वाली, और अर्लिन बहुत ही खूबसूरत है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ है। टप्पी कहता है, अगर वो ब्यूटीफुल नहीं होती तो मैं भी उसे कोई भी भाव नहीं देता। उसे ये रिलेशनशिप एक बिजनेस की तरह लगती है, लेकिन फिर भी वो अर्लिन से बहुत प्यार करने लगा था। मेग डिस्टर्ब होकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। रॉबर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रॉबर्ट की कोई भी बात नहीं सुनती। मेग को अपसेट देखकर डार्लिन उसके पास पहुंच जाता है और वो उसे कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और अर्लिन बहुत ही ज्यादा ओल्ड है। वो फिर उसे किस करने लगता है। वो वहां से भागकर बाहर आ जाती है। डार्लिन उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है, रॉबर्ट ने तुम पर चीट किया है, अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मेरी शिप में हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। रॉबर्ट मेग को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन मेग उसे देखकर छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मौके का फायदा उठाकर टप्पी अर्लिन के पास आता है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अर्लिन भी उसके साथ मजाक करते हुए कहती है वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे शादी कर रही है। इसके बाद वो मान जाती है। रॉबर्ट अर्लिन को पार्टी में देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो उसे वहां से जाने के लिए और भी बहुत ज्यादा पैसे देता है। अर्लिन कहती है, मैं डायरेक्टली जाकर मेग से बात करती हूँ, मैं उसे समझा सकती हूँ। मैं और टप्पी अब एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। इन दोनों को बात करते हुए मेग बाहर से देख लेती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर फाइनली अर्लिन यहाँ से निकल रही थी और वो मेग से बात करने के लिए आती है। मेग के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसने रॉबर्ट के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है। मेग को ढूंढते हुए रॉबर्ट भी रूम के अंदर आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही अर्लिन ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। रॉबर्ट को लग रहा था मेग गुस्सा है और इसी वजह से वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। वो बाहर से कहता है, अर्लिन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, वो दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अर्लिन टप्पी के पास आती है और टप्पी से कहती है, रॉबर्ट को आज रात घर के बाहर ही रखो। टप्पी कहता है, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? अर्लिन कहती है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें कुछ सवाल नहीं करने चाहिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मेरे पास भी नहीं होते। टप्पी उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मेग गुस्से में डार्लिन की शिप पर आ चुकी थी, वो उसी के साथ भागने वाली थी। फिर उसे समझाने के लिए अर्लिन उसके पास आ जाती है। वो कहती है, तुम्हें अपने हस्बैंड के पास वापस जाना चाहिए, हम दोनों के बीच में कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है, मैं उसकी एक रिलेटिव हूँ और इसी वजह से वो मुझे पैसे दे रहा था। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत ही प्यार करता है। मेग उसकी बातों का यकीन नहीं करती। तब अर्लिन कहती है, अगर तुम इस तरीके से यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही बेकार हो जाएगी, लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते रहेंगे। तुम अभी रिग्रेट नहीं करोगी, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद तुम्हें बहुत ही बुरा फील होगा, तुम्हें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। मेग भी उसकी बातों को अब समझ रही थी। तभी टप्पी रॉबर्ट और डार्लिन को लेकर शिप पर पहुंच जाता है। ये सब मिलकर अर्लिन के बारे में बात करने लगते हैं। वो फिर से टप्पी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। टप्पी कहता है, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपना माइंड नहीं चेंज करने वाला। यहाँ पर एक आदमी को रॉबर्ट ने जो मेग को हैंड फैन दिया था मिल जाता है। रॉबर्ट कंफ्यूज हो गया, मेग का हैंड फैन यहाँ पर कैसे आया? अगर उसे पता चलता मेग यहाँ पर है तो उसकी मैरिज हमेशा के लिए टूट जाती। अर्लिन उसे बचाने के लिए नीचे से ऊपर आ जाती है। ये वो डार्लिन की थी। तो टप्पी को लगता है अर्लिन और डार्लिन का अफेयर चल रहा है, तो गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं रॉबर्ट अपने घर पर आता है तो मेग उसे घर पर ही मिलती है। इन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था। बातों बातों में मेग को पता चलता है टप्पी ने अर्लिन से ब्रेकअप कर लिया है। उसे इस बात के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आज लास्ट टाइम पर अर्लिन मेग से मिलने के लिए आई हुई थी। रॉबर्ट अर्लिन से बात करता है। वो कहता है, अगर तुम मेग से सचमुच में प्यार करती हो तो इस तरीके से उसे छोड़कर नहीं जाती। अर्लिन कहती है, जिस तरीके की मेरी मैरिज थी उसमें मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी मेग वहाँ पर आ जाती है। मेग कहती है, मेरी वजह से तुम्हारी मैरिज टूट गई, मैं रॉबर्ट को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अर्लिन कहती है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, यही तुम्हारे लिए सच है। वो उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है। मेग कहती है, मैं अपनी मदर की कसम खाती हूँ, मेरी मदर मेरी गार्डियन एंजल है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है। ये बात सुनने के बाद अर्लिन यहाँ से जाने लगती है। तब रॉबर्ट कहता है, तुमने उसे बताया क्यों नहीं?
अर्लीन कहती है, मेग अपनी मदर को भगवान समान मानती है, उसके इस फेथ को मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। जाते जाते रॉबर्ट ने जो भी पैसे दिए थे ये सब कुछ वो वापस करके जाती है। मेग और रॉबर्ट के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। अर्लीन जब प्लेन में बैठी थी तब टपी उसका वेट कर रहा था। टपी कहता है, मेग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अर्लीन कहती है, मेग ने तुम्हें क्या बताया? मेग ने उसे सब कुछ झूठ बोला था। अर्लीन की शादी बचाने के लिए उसने ऐसा किया था। टपी अर्लीन के साथ बहुत खुश था और अर्लीन को भी टपी पसंद आया था, तो वो अब एक अलग कंट्री में जाकर फिर से अपनी लाइफ कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।